आपको जो कुछ भी चाहिए, अगर आप परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं कि ये तो आपका ही है और बाइबल कहती है कि सब कुछ तुम्हारा ही है, और यदि तुम अपनी विश्वास की आंखों से देखो कि ये तुम्हारा है और इस पर तुम मनन करते जाओ और देखो कि ये तुम्हारा है और खुद को तुम इस दशा में और स्थिति में जीते हुए देखो और तुम खुद को देखो कि तुमने इसे ले लिया है, मैं तुम्हें बताऊं कि जल्दी ही तुम इसे प्राप्त कर लोगे। According to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Be it unto me. Unto me, according to your word, according to your promise, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord. बाइबल सिखाती है कि सब कुछ परमेश्वर से आया है, इसे देखिए। चलिए मैं बताता हूँ, जब तेरे भेड़ और बकरियों की बढ़ती हो, वो चाहता है कि इसकी बढ़ती हो। तेरा सोना चांदी बढ़ता जाए, वो चाहता है कि सोना और चांदी बढ़ता जाए, और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ता जाए। ये प्रभु की आशीषें हैं। विश्वास नहीं करते तो देखिए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से लाया है, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। इसे गौर से सुनिए, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। क्या आपको इससे बढ़कर और कुछ चाहिए? यह कह रहा है घर बनाना और सारी अच्छी चीजों को अपने पास रखना। सोना चांदी बढ़ रहा है, आपके भेड़ बकरियां बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ती जा रहा है। ये तो सब कुछ बहुगुणित हो रहा है, केवल बढ़ नहीं रहा है, सब कुछ बहुगुणित हो रहा है। और फिर ये कहता है, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता। यानी कौन अब तक इन सारी बातों को बहुगुणित करते रहा? हेलो, परमेश्वर। परमेश्वर इन सारी चीजों को बहुगुणित कर रहा है और इसीलिए इस दर में बढ़ते जा रहा है, और इसीलिए यह बहुगुणित हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप सबसे उत्तम, सारी चीजों का उत्तम पाए। मैं ये विश्वास करता हूं। हां,
सबसे उत्तम इसलिए है कि परमेश्वर की संतान आके उसे ले। समस्या है कि लोग दिमागी रूप में तैयार नहीं हैं। इसराइली लोग जब तैयार हुए थे कि यरीहो में जाए, गिनती 13 में ये कहानी बताई गई है, परमेश्वर ने कहा कि भेदियों को भेज और वो जानकारी, मतलब वो जाए वहां से कुछ फलों को सैंपल के रूप में लाए ताकि लोग देखें कि सच में ये बहुत ही उत्तम देश है। तो ये लोग वहां पर गए और 40 दिन तक टूर में वहां पर रहे। वो वहां पर गए, उन्होंने देश को देखा और आते समय वो अंगूर का एक गुच्छा लेकर आए। इसके बारे में वचन 23 और 24 में पढ़ते हैं। अंगूर का गुच्छा बहुत ही दिलचस्प था। अंगूर का एक गुच्छा, मैंने ऐसे बहुत से गुच्छों को देखा है, बहुत से देशों में मैंने देखा है, लेकिन ये तो अलग था क्योंकि यहां पर ये जो अंगूर का एक गुच्छा था उसे लेकर चलने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ी और वो अपने कंधे पर एक बड़ी लाठी लगाए थे और बीच में अंगूर के गुच्छे को लटकाया कि उसे ले चले। अंगूर का एक गुच्छा, और ये किस तरह का गुच्छा था? मुझे लगता है एक एक अंगूर इतना बड़ा था। एक गुच्छा लटका हुआ था, ये दो लोग उसे लेकर चल रहे थे, ला रहे थे। उन्होंने क्यों इन लोगों को ये सब कुछ लाने के लिए कहा था? क्योंकि ये पूरी भीड़ अविश्वासी भीड़ थी। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उत्तम देश में लेके जाऊंगा। कौन सा उत्तम देश? हमने सारे उत्तम देश देख लिए हैं। हम मिस्र में थे, वो अच्छा देश था। हमारा छोटा घर था लेकिन वो तो बहुत अच्छा घर था। आधा पेट ही खाना मिलता था लेकिन हम एक अच्छे राशन शॉप से सब कुछ खरीदते थे। इस तरह के लोग जानते हैं, तो इसलिए परमेश्वर ने आप इन बातों को समझ सकते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति इसे समझ सकता है। लोग बिल्कुल ऐसे ही हैं। परमेश्वर ने कहा वो अंगूर के गुच्छे को लाओ, ऐसा अंगूर तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा, भविष्यवक्ता की किताब में परमेश्वर ने सभी देशों को, उत्तम देशों को देखा जिनमें दूध और मधु था, और उनमें से सबसे उत्तम को चुना। इस तरह का देश था। जब उन्हें बताया गया तो वो इसे नहीं समझ पाए, वो इसे समझ नहीं पाए, और यहां तक कि उन्होंने विश्वास नहीं किया कि ऐसा कुछ हो सकता। और परमेश्वर उन्हें यही तो देना चाहता था। उन्होंने ऐसा प्रचार कभी नहीं सुना था। अब ये तो बिल्कुल नया प्रचार था। 360 साल तक वो किसी ऐसे चर्च में गए मिस्र में, जहां गुलाम इकट्ठा होकर कहते थे हालेलुया। अब 360 साल के बाद में मूसा उनका पास्टर बनता है और ये दूध और मधु का प्रचारक होता है, और ये हमेशा केवल दूध और मधु के बारे में कहता है। वो संदेह करने लगे, ये संपन्नता का प्रचारक, सावधान रहना, जानते हैं, संभल कर रहना, क्योंकि ये कह रहा है परमेश्वर हमें बड़े और उत्तम देश में लेकर जाएगा, दूध और मधु के देश में, और ये सब कुछ। तो वो मूसा पर संदेह करने लगे और कहने लगे चलो देखते हैं कौन से फल हैं, चलो देखते हैं कि वो अच्छा देश है या नहीं। हमने पहले बहुत से अच्छे देश देख लिए हैं, हमने मिस्र को देखा, ये तो उन दिनों में बड़ा सुपर पावर था। तुम्हें लगता है इससे बेहतर होगा? परमेश्वर ने कहा मैं दिखाऊंगा। वो अंगूर के गुच्छे को लेकर आए, दो लोग इसे लाठी पर लटका कर अपने साथ लेकर आए, वहां पर आए और उन्होंने लोगों को ये सब दिखाया। और उन्हें दिखाने के बाद में, जानते हैं वो भी उसी चर्च में गए होंगे जहां पर ये प्रचारक जाता था, जानते क्या कहा? नहीं, वो लोग तो मनुष्यों को खाने वाले लोग हैं, वो तो दानव है, हमें नहीं जाना है। दाग के बारे में क्या? ओ, दाग तो बहुत ही अच्छा है लेकिन मुझे जोखिम नहीं उठाना है, मैं जाना नहीं चाहता, ये बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो सब लोग बहुत ही बड़े लोग हैं, वो तो बहुत बड़े दानव जैसे हैं और हम ये नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे ही कहा। और मैं आपको बताऊं, अगर आप दिमागी रूप में तैयार नहीं, देखिए वो लोग दिमागी रूप में तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि 360 साल की जो गुलामी थी वो तो हमें अलग तरह का मन डाल देती है। जरा कल्पना करें, 360 साल तक अगर आप गुलामी में रहे, जहां पर आपके परदादा के परदादा भी गुलाम थे, जानते हैं, और किसी तरह का जीवन आप नहीं जानते हैं, यानी अच्छा जीवन, केवल कमी घटी और ये सारी बातें जानते हैं, आपका मन छोटी छोटी बातें सोचता है, आपका मन सोचने लगता है कि नहीं ये तो असंभव है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मुझे संसार में कुछ नहीं मिलने वाला है और कोई भी मुझे कुछ भी देने वाला नहीं है, नहीं ये संभव नहीं है, अचानक मैं ये सब कुछ नहीं बन सकता हूं, ये असंभव है। आपका मन इस पर विश्वास करने से इनकार करता है कि आप अभी जो जीवन जी रहे हैं उससे कोई और तरह का जीवन हो सकता है। बहुत से विश्वासियों में यही तो समस्या है। हालांकि बाइबल में इस तरह की प्रतिज्ञा है कि आप जगत के वारिस हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे कि कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं, हो किसी के मालिक नहीं, और वो कुछ लेने की योजना भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि दिमागी रूप में वो तो इस तरह के विचार को अपने भीतर नहीं ले सके, इस तरह की सारी बातों को नहीं ले पाए, इस तरह का जीवन दिमागी रूप में उनके लिए संभव नहीं था। हाँ,
मूसा के साथ इतना समय आने के बाद, उसके साथ समय बिताकर उसका प्रचार सुनने के बाद अभी भी अविश्वास से ही भरे थे। हाँ, प्रभु ने कहा, यह तुम्हारा है, मैंने ये तुम्हें दिया है। चलिए देखते हैं यहोशुआ अध्याय 6 से। अब देखिए, दूसरी पीढ़ी के लोग यानी पहली पीढ़ी अंगूर देखने के बाद भी वहां जाना नहीं चाहती थी। वो अंगूर से प्रभावित नहीं हुए, वो केवल दानव से ही प्रभावित हुए। वो इससे प्रभावित नहीं हुए कि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें यह दे दिया है, नहीं, वो दानव से ही प्रभावित हुए, असंभव बातों से, इस कारण वो नहीं जा पाए। प्रभु की समस्या नहीं, प्रभु ने कहा था मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हारे संग रहूंगा, कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। वो नहीं जा पाए, हालांकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, वो अपने अविश्वास के कारण इसे नहीं ले पाए। अब देखिए अध्याय 6, यहोशू के समय में ये नई पीढ़ी के लोग थे और वो तो जाकर लेने वाले थे, परमेश्वर कैसे उनसे व्यवहार करता है। अध्याय 6 वचन 1, यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। अब आपको समझना होगा कि यरीहो में किसी तरह का डर था इसराइलियों के बारे में, वो इन लोगों के बारे में सुनते आ रहे थे। ये तो सब चरवाहे थे और इनके पास में तलवार और घोड़े और रथ नहीं थे, ये सब कुछ नहीं था, केवल चरवाहे थे, लेकिन परमेश्वर उनके साथ में था। उन्होंने लाल समुद्र पार किया, उन्होंने सुना कि कैसे लाल समुद्र दो भाग में बट गया और मन्ना बरसा, परमेश्वर इनकी मदद कर रहा है, कोई इन्हें रोक नहीं पा रहा, ये सारी कहानी पहली वहां पहुंच चुकी थी। वो जान गए थे और सब डर गए थे। वो जब भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें खबर मिल गई कि वो लोग तो भीतर में डरे हुए हैं। गिनती 13 में आप ये कहानी पढ़ लीजिए। यरीहो के भीतर के लोग इजरायली लोगों से डरे हुए थे, उन्होंने सुना कैसे परमेश्वर इन छोटे समूह के लोगों के साथ में है और कोई उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता, एक दिन आकर वो इस देश को ले लेंगे, हत्या लेंगे। वो डर गए थे और अब इसराइली लोग नदी को पार करके बस जाकर यरीहो को लेने वाले थे और यरीहो के अधिकारियों ने आज्ञा दी कि सारे फाटक बंद कर दिए जाएं। फाटक बंद करो, कोई भीतर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग खतरनाक है, लगता है वो जीत जाएंगे, हमारे पास रथ है, घोड़े हैं, सिपाही है, मिलिट्री है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर इन लोगों की ओर से है, सावधान रहो। तो उन्होंने फाटक बंद किया। आप यरीहो की शहरपनाह के बारे में कहते हैं, फाटक और यरीहो की शहरपनाह ये आपके कंपाउंड वॉल के जैसे दीवार नहीं थी जहां पर कूद कर जा सकते हैं अगर चाहे तो। ये वो पतली सी 6 इंच की दीवार नहीं है जो इन दिनों में बनाते हैं, ठीक है। जानते हैं यरीहो की शहरपनाह कैसी थी। यरीहो की दीवार इतनी चौड़ी थी कि कहा जाता है कि उसके ऊपर में रथों की दौड़ हुआ करती थी। हाँ, शहरपनाह इतनी चौड़ी थी, मतलब वो इतनी बड़ी थी और इतनी चौड़ी थी, इतनी मोटी और इतनी ऊंची थी, और कोई भी आकर अपनी इच्छा से बस उसे गिरा नहीं सकता था। ये ऐसी बात नहीं थी, हम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये तो बहुत ही ऐसी बड़ी दीवार थी और उसे ऐसे लांग नहीं सकते थे, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, इसे जीतने के लिए बड़ी सेना और बड़े हथियारों की बहुत जरूरत थी, और फिर भी ये बहुत मुश्किल होता। और इसके साथ वहां पर सिपाही भी थे और सब वहां पर थे, वो ऊपर से तीर चलाते थे, और बाइबल कहती है कि वो नगर बंद किया गया। और चलिए इसे देखे, यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था, किसी को भी भीतर जाना या बाहर आना असंभव था। हाँ, भीतर जाना, बाहर जाना नहीं, तो फिर जाकर उसे लेने का सवाल ही नहीं था, बिल्कुल संभव नहीं था, कोई जा नहीं सकता था, आ नहीं सकता था, बंद हो गया, भीतर नहीं जा सकते थे। और देखिए परमेश्वर क्या कहता है, वचन 2 में ये कहता है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, देख, सब लोग कहे देख, मैं इसी पर कहना चाहता हूं, देख, इसका मतलब है देख, मैं यरीहो और उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं और उनके शूरवीर योद्धाओं को भी, यरीहो उसका राजा और सिपाही यानी मिलिट्री मैंने तेरे हाथों में सौंप दी है, देख, मैंने तेरे हाथों में सौंप दिया है यरीहो और उसका राजा और उसके सभी शूरवीर योद्धा, सारे सिपाही तेरे हाथों में सौंप दिए हैं। सब लोग कहें फिर से देखें। अब ये मुझे दर्शाता है कि परमेश्वर हमेशा कैसे काम करता है। जब परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ महान हासिल करें, ऐसा कुछ जो बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल दिखाई देता है, कुछ भी जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा कि आप आगे बढ़कर उसे विश्वास से ले ले,
यह ऐसे काम करता है, विश्वास ऐसे काम करता है। परमेश्वर कहता है देखो, क्या देखे? अब आपको सही चीज देखनी है, क्योंकि यदि यहोशू केवल सुनता कि देख, तो वो क्या देखता? वो शहरपनाह को देखता और ऊपर में रथों को देखता, ऊपर सिपाहियों को हथियार लिए हुए देखता, वो बड़े फाटकों को देखता और लड़ने के लिए उनकी पूरी तैयारी और ये सब कुछ देखता, और वो देखता कि दीवार इतनी मोटी है कि रथों की दौड़ वहां पर हो सकती है, यही तो वो देखता। लेकिन परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि दीवार को देखो, प्रभु ने नहीं कहा कि सिपाही को देखो, परमेश्वर ने उनसे कभी देखने के लिए नहीं कहा कि उनके पास कौन सा हथियार है। परमेश्वर ने कहा देखो, और क्या देखो? देखो क्योंकि मैंने तुम्हें यह दे दिया है। वो कहता है देखो, मैंने ये तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है, यरीहो और उसका राजा और उसकी सारी मिलिट्री। परमेश्वर कहता है देखो, इन सच्चाई को देखो कि ये मिलिट्री और ये शहर और ये राजा अभी तुम्हारा है, इसे देखो। हेलो, विश्वास ऐसे काम करता है, अगर आप नहीं देखोगे तो उसे नहीं पाओगे। कुछ भी विश्वास से बस ऐसा ही है, यदि आप नहीं देख सकते हैं तो उसे नहीं पा सकते हैं, यदि सफलता नहीं देख सकते हैं तो सफलता नहीं पा सकते हैं, यदि चंगाई नहीं देख सकते हैं तो आप चंगाई नहीं पा सकते हैं, अगर संपन्नता को नहीं देख सकते हैं तो आप संपन्नता नहीं पा सकते हैं, यदि आप खुद को जयवंत होते हुए नहीं देख सकते हैं तो जयवंत नहीं हो सकते, आपको पहले देखना होगा। यहोशू ने भीतर जाकर उसे नहीं देखा, नहीं, उसने देखा, उसने क्या देखा? उसने देखा कि यरीहो, ये शहर, उसका राजा और सिपाही उसके हाथों में सौंप दिए गए हैं। जहां तक कि प्रभु की बात थी, ये हो चुका था, इसलिए उसने उसे भूतकाल में कहा था, मैंने तेरे हाथों में दे दिया है, इसे देखो। मैं देखता हूं कि ये हो चुका है, खत्म हुआ। क्या तुम ऐसे देखते हो? देखिए, बहुत से लोगों में बस यही समस्या है, वो नहीं देख सकते। वो कहते देखिए भाई, एक प्रचारक ने कहा, देखिए ये तो पूरा पागलपन है, आप विश्वास के प्रचारक पागल होते हैं, क्योंकि जानते हैं ऐसे कैसे होते देख सकते हैं, जबकि आपके सामने केवल बस यही होता है, समस्याएं होती हैं, जब सब बदल जाए तो हम कह सकते हैं। नहीं, विश्वास ऐसे काम नहीं करता, विश्वास ऐसे काम करता, पहले आप देखते हैं, पहले देखते हैं कि ये आपका है, देखे कि ये आपके हाथों में है, देखे कि ये आपका है, देखे कि राजा हराया गया है, देखे कि सेना हराई गई है, देखे कि ये नगर आपका है, देखे कि ये सारी चीजें आपकी है, तुम वहां पर खुद को राज्य करते हुए देखो, तुम खुद को उसमें रहते हुए देखो, देखो कि तुम वो फल खा रही हो, तुम देखो कि तुम वहां पर बैठे हो, उस बाग में, उस दाख की बारी में, दाख को देखते हुए देखो कि तुम उसका आनंद उठा रहे हो, तुम खुद को वहां पर रहते हुए देखो। यदि तुम नहीं देख सकते हो तो तुम इसे पा नहीं सकते। हम कैसे इस संसार, इस जगत के वारिस होंगे और जो कुछ परमेश्वर ने रखा है उसे कैसे लेंगे, यदि हम ये हमारा है ऐसा न देखें, विश्वास से, विश्वास की दृष्टि से, तो हम नहीं पा सकते। क्यों बहुत से लोग इसे पाने के लिए मुश्किल का सामना करते हैं? बस यही है कि वो देख रहे हैं समस्या को, देखते हैं कमी को, देखते हैं घटी को, देखते हैं कि मुश्किल कितनी बड़ी है, देखते हैं कि ये कितना असंभव है, देखते हैं कि ये सच में कितना मुश्किल है, और घोषित करते हैं अपनी असंभवता और अपनी मुश्किलों को और अपनी समस्या के बारे में कहते हैं, इसके बजाय कि देखे कि ये उनका है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ये इनका है। हेलो, क्या आप यहां हैं? परमेश्वर कहता है ये तुम्हारा, मैंने तुम्हारे हाथ में ये दे दिया है, अभी देखो। दूसरे शब्दों में, चलिए सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, परमेश्वर कहता है यहोशू यहां आओ, मैं चाहता इसे देखो, ये शहर, ये राजा और इनकी मिलिट्री, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे हाथों में दे दिया है, मैं चाहता हूं जाकर इस पर मनन करो, घर जाओ और इस पर मनन करो, घर जाओ, इस पर सोचो, घर जाओ, इसे कहते जाओ, घर जाओ, इसके लिए गीत गाओ, घर जाओ, परमेश्वर की स्तुति करो, घर जाओ, इसके बारे में कहो, घर जाओ, घोषित करो कि ऐसा ही है। अपने संदेह को नहीं कहना, असफलता के इतने साल के बारे में नहीं कहना, और अपने मुश्किलों के बारे में नहीं कहना, कठिनाई के बारे में नहीं कहना, शहरपनाह कितनी बड़ी है उसके बारे में मत कहना, और सेना कितनी बड़ी है इसे नहीं कहना, उसे नहीं देखना, लेकिन देखना कि मैंने ये नगर तुम्हें दिया है, इसे देखो, इस पर तुम मनन करते जाओ,
और आज मैं आपको चुनौती दूं, आपको जो कुछ भी चाहिए अगर आप परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं कि ये तो आपका ही है और बाइबल कहती है कि सब कुछ तुम्हारा ही है और यदि तुम अपनी विश्वास की आंखों से देखो कि ये तुम्हारा है और इस पर तुम मनन करते जाओ और देखो कि ये तुम्हारा है और खुद को तुम इस दशा में और स्थिति में जीते हुए देखो और तुम खुद को देखो कि तुमने इसे ले लिया है, मैं तुम्हें बताऊं कि जल्दी ही तुम इसे प्राप्त कर लोगे। इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस ये तुम्हारे पास में आ जाएगा, क्योंकि जिस पल तुम इसे देखना शुरू करते हो तो तुम विश्वास से चलते हो, तुम निश्चय असंभवता के क्षेत्र से बाहर आ जाते हो और तुम संभवता के क्षेत्र में चलते जाते हो। अभी अगर आपको असंभवता की जगह पर रहना या आप पर है, आप वहीं पर रह सकते हैं। आप समस्या के बारे में कहते हैं, सास को अपनी समस्या के बारे में बताते हैं, जाकर ससुर को अपनी समस्या बताते हैं, यहां जाकर रोते हैं, वहां जाकर रोते हैं। अगर ऐसा करना है तो ठीक है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। शायद आपको थोड़ी यहां वहां से कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन अगर आप अपना कमरा बंद करते हैं और अपनी आंखों से देखने लगते हैं जो परमेश्वर ने कहा है, सब कुछ मेरा ही है, हर एक चीज जो कुछ भी मुझे इस संसार में चाहिए कि परमेश्वर ने जो मुझे मंजिल दी है उसे मैं पूरा कर सकूं, वो मेरा है यीशु मसीह के नाम में, वो मेरी है। चाहे वो जितनी भी बड़ी हो, चाहे वो कितनी भी असंभव दिखाई देती हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी दिखाई दे, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत लगे, इसका कोई भी अर्थ क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी है। जब आप इस पर मनन करते हैं, मैं बताऊं, आप इसे पाएंगे, आप इसे पाएंगे। जब आप मनन करेंगे तो इसे पाएंगे, आप जमीन पाएंगे, आप बिल्डिंग पाएंगे, आप घर पाएंगे, आपके पास नौकरी होगी, व्यापार होगा, आपके पास होगा, चाहे जो भी हो, कुछ भी बड़ा नहीं है। आप इसे ले, इस पर मनन करते चले जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये परमेश्वर की मंजिल आपके लिए है। आप इसे ले और कहने लगे कि सब कुछ मेरा है और इसलिए मैं जगत का वारिस हूं, मैं इस पूरी पृथ्वी का वारिस हूं। परमेश्वर ने ये कहा है, वो मेरी जरूरत पूरी करता, मैं फिर कभी अपने जीवन में गरीब नहीं रहूंगा। अपने मुंह से घोषित करे, मैं फिर कभी कंगाल नहीं रहूंगा, मैं फिर कभी असफल नहीं हो जाऊंगा, मैं कभी भी नीचे नहीं रहूंगा, मैं फिर कभी नीचे गंदगी में नहीं रहूंगा, मैं फिर कभी निराशा में नहीं जाऊंगा, मैं फिर कभी बीमारी में नहीं रहूंगा, मैं कभी भी डर में और असफलता में नहीं जीऊंगा, कभी नहीं। इसे घोषित करें दोस्तों, कभी नहीं। जब ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं आप? तो वो देखते हैं जो प्रभु ने कहा है। शायद अभी आपकी परिस्थिति अलग हो, शायद आप बीमार हो, या हो सकता है आप असफल हो रहे हैं और आपके पास बहुत सी चीजों की जरूरत है, बहुत कुछ नहीं है, हर जगह जहां देखते हैं समस्या दिखाई देती है, लेकिन आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और आप तो देख रहे हैं जो प्रभु ने कहा है उसे वास्तविकता के रूप में देखते और उसे कहते हैं और इसका अंगीकार करते हैं। और मैं आपको बताऊं, यही तो वो बात है जिसके कारण आप जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आमेन। क्या आपने कभी इसे कहा है? फिर कभी नहीं। बहुत से लोग अपने डर को कहते जाते हैं, अगर मैं कल कंगाल हो जाऊं तो, ये कहने के बजाय कि मैं अपने जीवन में एक दिन भी कंगाल नहीं रहूंगा यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, मैं कभी कंगाल नहीं होऊंगा यीशु के नाम में। सब मेरे पास में आएगा, मुझे जो भी चाहिए मेरे पास होगा, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपने महिमा में धन के अनुसार मेरी सारी जरूरत पूरी करेगा। जब आप ऐसा कहते हैं मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब आप ऐसे कहते रहेंगे तो जल्दी ही आप जगत के वारिस हो जाएंगे, आप उन सारी चीजों को पाएंगे जो आपको चाहिए इस संसार से, कि आपके जीवन में परमेश्वर की अलौकिक मंजिल को आप पूरा कर सके। परमेश्वर आपसे यही चाहता है। My heart, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength. My heart and my portion forever.
Jesus will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. A portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart.